बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का. शुक्रिया. शुक्रिया. थैंक यू. ज़रीन एंड डेज़ी, आई मस्ट टेल यू बोथ ऑफ यू, ही इज़ अ चार्मर. हां, या नो, लाइक आपको मतलब इतिहास मालूम होगा, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं, ही हैज बीन हिस्ट्री, मतलब जिस तरह हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ चार्मर, लाइक फैमिली ऑडियंसेस, चिल्ड्रन, सब लोग जब ये टीवी पे शोज करते थे, आपने देखे थे? मैंने झलक दिखला जा इनका देखा था, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी डांसिंग की थी, और मेरी फैमिली इनके बहुत शोज देखते हैं, देखते थे. अभी तो वो सीरियल नहीं करते हैं, जब करते थे तब मेरी फैमिली देखते थे इनके शोज. देखिए, हम लोग जब इनसे मिला करते थे उस समय, काफ़ी समय से अब फिल्मों में आ गए, तो कम मुलाकात हो रही है मेरी. आपकी मतलब आप दुखी क्यों थे, अब पता चला हमसे मिलने का प्रॉब्लम है, इनको बहुत टाइम से नहीं मिले इसलिए. पर्सन ही वॉज लाइक, अपार्ट फ्रॉम बींग अ चार्मर, लाइक हाउ ही यूज टू डील विद हिज फैंस एंड एवरीवन, बहुत ही बेहतरीन. आपको कैसा अनुभव रहा इनके साथ? इनके साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा काम करने के लिए, और काम करने में, और नहीं पर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मस्ती खोर है, बहुत ये तो उस समय भी अभी भी है, अभी भी बहुत ही मतलब उतने ही है, नहीं पर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत केयरिंग है, और मतलब आप जब एक्ट करते हो वो मेक श्योर करते हैं कि उनका जो को एक्टर है या जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो कंफर्टेबल है या नहीं. बट ही वाज नॉटी आल्सो, इज ही नॉटी नाउ आल्सो? नो, ऑन सेट या ही वाज क्वाइट नॉटी, एंड अच्छा ही था, नॉटी थे तो सेट का काफी एटमॉस्फेयर अच्छा, हंसी मजाक वाला बना के रखा उन्होंने. करण, कितना बदलाव आ गया है? बाल सफेद हो गए मेरे, बस ज़्यादा बदलाव आई थिंक, मैं कोशिश करूँ भी तो ज़्यादा आता नहीं है. आई कैन, एक जो इंसान का कोर होता है वो चेंज नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए. तो अगर हंसी मजाक में और अच्छे एनर्जी में काम निकल जाए, नथिंग बेटर देन दैट. क्या चीज़ कॉमन है आप तीनों में? आप तीनों ने साथ काम किया है, उसके अलावा फिलहाल तो यही है. कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब आप, you must have discovered something. मेरे और करण के बीच में मैं शायद कहूँगी कि हम वर्कआउट साथ में करते थे, और हम वर्कआउट्स और डाइट को लेके बहुत ज्यादा बातें करते थे, तो ये एक चीज कॉमन है. हाँ, क्योंकि हमको हमारे कोई भी सीन, डेजी और मेरे कोई भी सीन साथ में नहीं है, तो मैं डेजी को इतना नहीं जान सकी फिल्म के मेकिंग के दौरान. अभी प्रमोशंस के टाइम पे डेजी के साथ बॉन्डिंग हो रही है, और अच्छी बॉन्डिंग हो रही है. और करण बहुत सिमिलर है, मैं जिस तरीके की इंसान हूँ उससे, तो अच्छा था दो फिल्म. करण शर्मन कहाँ है आज? शर्मन मैं शर्मन एक्चुअली शूट पे हैं, एक दूसरी शूट पे, तो इसलिए वो आ नहीं पाए, बट उन्होंने अपना पोस्टर भेजा है. शर्मन इज राइट हियर विद अस, या ही इज वेरी ग्रेशियस. कहां है? इसमें ही इज राइट हियर, ही इज ऑलवेज विद अस इन एसेंस. यू हैव अ फोन नेटवर्क राइट नाउ? नो, आई डोंट, प्रॉब्लम नेटवर्क नहीं आता है. प्रॉब्लम कुड हैव कॉल्ड हिम. हां, वो बेसमेंट में वे शूटिंग ना, बट ड्यूरिंग द शूट आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू आंसर द फोन. हां, करण, पर ये फिल्म क्यों चूज किया आपने? ये फिल्म चूज करने का दी ओनली रीजन वाज जो कैरेक्टर, नहीं उस टाइम पे जब मैंने चूज किया था मुझे पता नहीं था कि डेजी और ज़रीन इस फिल्म में. द कैरेक्टर दैट वाज ऑफर्ड टू मी बहुत ही नेगेटिव है, बहुत शेड्स हैं उसमें, और मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया, तो आई थिंक फॉर मी दूसरे रोल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट वॉज द रीज़न. देखिए, आपकी फिल्म जो इससे पहले आपने की थी, बड़े दिनों बाद सब लोग शायद हमेशा आपसे यही पूछते थे कि दूसरी फिल्म कब साइन कर रही है, कब साइन कर रही है, चाहे रेड कार्पेट्स हों, चाहे न्यू ईयर बैश की कॉन्फ्रेंसेज हों, सब लोग यही बात करते थे. जी, जब भी मैं कोई भी इवेंट्स पर जाती थी या अवार्ड फंक्शंस में या कहीं भी जाती थी, तो यही सवाल पूछा जाता था कि आपकी अगली फिल्म कौन सी है. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सभी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आया नहीं था. हे स्टोरी 3 के अंदर इंटरेस्टिंग यही है कि रोल जो है वो काफ़ी डिफरेंट है जो मैंने पहले प्ले किया है, और अगेन अलग जॉनर की फिल्म है, और जय हो से बहुत ही अलग है. तो बस मैं ट्राई किया, मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैंने कोशिश की है कि मैं एक दूसरा जो किरदार है वो अच्छी तरीके से निभा पाऊँ. Zareen, same thing was with you also, na, ki aap agli film kab sign kar rahi, kab sign kar rahi, sab se poochte the.
हाँ पूछते तो थे और बट मुझे जल्दबाजी नहीं करनी थी क्योंकि यू नो मेरी फर्स्ट फिल्म के साथ मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला था, तो मैं भले ही मैंने अपना टाइम लिया फिर से स्क्रीन पे आने के लिए, बट मैं खुश हूँ कि मैंने हेट स्टोरी 3 सेलेक्ट की वापस फिल्म स्क्रीन पे देखने के लिए, क्योंकि इसमें जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ वो जो मैंने पहले प्ले किया है बताइए क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं हो ये रहा। वो उनकी टांगों में दर्द हो रहा तो बैठ गई थी मैं। बट आई आज सर मैंने उससे पूछा था उनकी परमिशन ली थी कि लाइक क्या इफ वी कैन डू द इंटरव्यू स्टैंडिंग। वो आपको आप आपका फेस इतना स्वीट है आपको आप मना नहीं करना चाहते थे। आप उनको इनको पूछा? नहीं नहीं मैंने इनको पूछा फिर देन आई आस्क्ड देम दैट इज एक्सेप्ट अभी मैं लो सकते हैं। हां नहीं पर आप जब उनको जरीन के साथ सवाल कर रहे थे तो मैं तो फ्री खड़ी थी ना इसलिए मैं बैठ गई और कुछ नहीं। बॉन्डिंग होना चाहिए मतलब ऐसे कि बॉन्डिंग आ रहे थे चलो मतलब एक ऐसा मतलब अंदर से निकलना चाहिए मतलब ऐसा फीलिंग आनी चाहिए अंदर से क्या निकलना तो बंद करना निकालता हूँ अंदर से। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो एक्चुअली उनके आप यू शुड बी वो हेल्पफुल कि उनकी टांगों में दर्द हो कंसिडरेट कि उनकी टांगों में दर्द हो रहा था तो वो बैठ गई तो आपको आपको बोलना आपका फेस इतना स्वीट है मना नहीं कर पाया आपको। इतना मिस्ट्री खुद ही नहीं पता मिस्ट्री नहीं है थ्रिलर है बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें जो यू नो डिफरेंट ट्विस्ट और टर्न्स लेके आते हैं फिल्म में सो एक एक स्ट्रेट पॉइंट पे नहीं है फिल्म स्टोरी लोगों ने टेढ़ी फिल्म बनाई है बहुत ज़्यादा टेढ़ी बनाई है। कौन कौन टेढ़ा है आपने से? सब टेढ़े सिर्फ हमारे शर्मन को छोड़ के वो बहुत ही सीधे इंसान है बहुत। एंड व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर? आई एम प्लेइंग सिया देवान जो इन द फिल्म ना फिल्म में तो आप परेशान क्यों हो रहे करण? नहीं मैं परेशान नहीं हूँ नहीं आई एम स्माइलिंग। क्या आप मेरे आंसर के बीच में उनकी परवाह कर रहे हो? बॉन्डिंग मैडम इतनी अंदर से बॉन्डिंग हमारी बॉन्डिंग क्या चल क्या रहा है यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अगला क्वेश्चन का पूछेंगे। हाँ मेरा कैरेक्टर है सिया देवान जो शर्मन की वाइफ है शर्मन का नाम है आदित्य देवान और मेरा ये कैरेक्टर है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड मैं कोई भी हद तक जा सकती हूँ अपने पति की रक्षा करने के लिए। मॉडर्न सती सावित्री मॉडर्न है ना जी। किसके बीच में? ये फिल्म ये हमारे बीच में आते हैं जी। आप रोल बीच में नहीं है इट्स सबके कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंटली एच्ड आउट हैं तो जैसे एक जिग्सो पजल होता है उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं तो हम उसके छोटे छोटे पीसेस हैं। जी आप बता रही थी कि करण मतलब काफ़ी फन लविंग थे बहुत अच्छा था यहाँ पे इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं मतलब लाइक प्रॉब्ली आप लोग हैं तो सही यहाँ पे आप मतलब आपको नहीं लगता कि आपको ये सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए वो यहीं पर खड़े हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए हेट स्टोरी 3 के बारे में चलिए कम ऑन। वही तो पूछा आपने सीरियस कैसे हो गए क्योंकि आप क्वेश्चंस बहुत टेढ़े मेढ़े पूछ रहे हैं ना सीधे क्वेश्चंस पूछिए सीधे सीधे आंसर्स मिलेंगे फिर हम सब घर जाएंगे सबको भूख लगेगी। चलिए बताइए अपने कैरेक्टर कहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होता है और किस तरह से नेगेटिव है? किस तरह से इन्वॉल्व होता है वो देखने के लिए आपको फिल्म देखेगी 4 दिसंबर को आ रही है हेट स्टोरी 3 और कैरेक्टर जो है वो इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर नेगेटिव शेड्स हैं इसमें एंड काफ़ी डिफरेंट है एंड एक्साइटिंग है। म्यूजिक हमने देखा कि इन दिनों न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है कि काफ़ी हिट हुआ है
जी हमें खुशी इस बात की है कि सबको म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है, सारे गाने गाने जितने भी आए हैं बाहर सबको उतना ही इक्वली प्यार मिल रहा है जितना प्यार उन्होंने ट्रेलर को दिया है। एंड अगेन टी सीरीज़ है तो गानों को प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दे आर प्रोज एट इट। तो इट्स डूइंग गुड एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। वापस से कभी टीवी पे आने का सोचा आपने? एक बार अभी हम देखा तो था, एक शो किया था आपने उसके अलावा? एक शो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी ABP न्यूज़ पे, उसका नाम सेल्फी है, सैटरडे को 9 बजे आता है। और उसके अलावा आई थिंक अभी इस वक्त टाइम नहीं है कोई शोज करने का टीवी पर। कभी याद आती है मतलब लाइक इज दिस अ नेचुरल प्रोग्रेशन और कभी वापस से टीवी की तरफ रुख करने का? आई डोंट थिंक इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ एनी सॉर्ट। आई थिंक जो डिफरेंट मीडियम्स हैं हम एक्टर्स के लिए, टेलीविजन हो या फिल्म हो या थिएटर हो, आर आर्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, चाहे वो किसी भी मीडियम पर हो। तो ऐसा नहीं कि यू हैव टू प्रोग्रेस फ्रॉम टीवी एंड कम इन टू फिल्म और डू फिल्म शोज एंड देन गो इन टीवी, इट्स वाइस वर्सा। आई थिंक एवरीथिंग एवरी एक्टर डज बोथ एट द सेम टाइम नाउ, सो इट्स नॉट अ प्रोग्रेशन ऑफ एनी सॉर्ट। डू यू थिंक जो टीवी इंडस्ट्री वो सही जा रही है अभी इन दिनों, जो देख रहे शोज वगैरह जिस तरह से आ रहे हैं विद द टाइम्स? आई थिंक हमारे जो इंडस्ट्री है वो आई थिंक इट्स टेकिंग द टर्न फॉर द राइट एंड इट्स गोइंग द राइट डायरेक्शन, बट स्टिल आई थिंक काफ़ी शोज हैं जो रिग्रेसिव हैं बट वो हमारी ऑडियंस को पसंद आते हैं, सो दैट्स समथिंग दैट यू कांट चेंज। फिल्म के इन दिनों प्रमोशंस काफ़ी मैटर करते हैं, डू यू थिंक आप लोगों के प्रमोशन और कैसे होंगे अभी लाइक टीवी शोज वगैरह पे जैसे हो जाएंगे? जैसे सब प्रमोशंस कर रहे हैं अपनी अपनी फिल्म के, हमने भी हमारा हमारे प्रोडक्शन हाउस ने भी हमारी फिल्म के लिए आई एम श्योर एक अच्छा प्रमोशन प्लान प्लान किया है और या वो करेंगे। कलेक्शंस मैटर करते हैं क्योंकि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ बिग फिल्म? बिल्कुल करते हैं। आज जो भी है वो सब नंबर गेम के बारे में है, जहाँ तक अगर मूवी 100 करोड़ पहुँचती नहीं है तो कहते हैं कि नहीं नहीं फिल्म सही नहीं है करके, पर आपको ये भी दिमाग में रखना ज़रूरी है कि फिल्म का बजट क्या था और मूवी ने कितना कलेक्ट किया है बॉक्स ऑफिस पे। तो अगर बजट आपकी मूवी का जो बजट है उससे अगर आपकी आपकी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 गुना अगर कमाया है तो मूवी अपने आप में एक बड़ी हिट है। लाइक टीवी पे टीवी टीज होते थे, आप विश्वास करते हैं इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे? सी बॉक्स विश्वास करें या ना करें ऑब्वियसली मैटर करता है फिल्म पर, बट एज एन एक्टर इट्स नॉट समथिंग दैट आई लुक इनटू, इट्स नॉट समथिंग दैट आई फॉलो। आई थिंक कि अगर एक क्रिएटिव पॉइंट से देखा जाए तो कमर्शियल्स दे आर टू डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो आई लुक एट द क्रिएटिव साइड ऑफ इट एंड commercials is something that is very important but that's not something that I'm into. What are expectations from the film? Oh, expect pehle do jo jo sanskaran ke jo film ke part the kafi sarahe gaye the, तो आई एम श्योर ये वाला भी लोगों को पसंद आएगा क्योंकि हमने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है और अच्छी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी है, तो आई एम श्योर हम तो हमारी फिल्म के लिए अच्छा ही चाहेंगे एंड आई होप जिस तरीके का प्यार लोगों ने ट्रेलर की तरफ दिखाया है उससे ज़्यादा प्यार थिएटर्स आए 4 दिसंबर को और हमारी फिल्म को दें। डू यू फील एनी प्रेशर ऑफ द टू फ्रेंचाइजी व्हिच वाज ऑलरेडी देयर? प्रेशर भी होता है और दूसरी साइड पे ये भी बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि पता है कि ये फ्रेंचाइज जो है वो काफ़ी हिट है, इसके पहले के 2 इंस्टॉलमेंट्स है काफ़ी अच्छा किया हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो प्यार उन्होंने पहले के 2 इंस्टॉलमेंट्स को दिए हैं उतना ही प्यार या उससे ज़्यादा प्यार इसको दे और बस यही है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ सोचा भी नहीं है क्योंकि मूवी मेकिंग वैसे ही रिस्क होता है, आप नहीं जानते फ्राइडे जब तक रिलीज़ नहीं होती तब तक आप नहीं जानते कि मूवी का क्या होने वाला है, तो हम खाली होप कर सकते हैं ये चीज़ को लेके, बाकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक हमने जितनी फिल्म देखी है हमको अच्छी लगी है, प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑडियंस को भी शायद पसंद आएगा। करण योर व्यूज ऑन द फिल्म की 2 फ्रेंचाइजी पहले ही हो चुके हैं? देयर लाइक देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट। प्रोज आर दैट यू नो कि पहली 2 फिल्में इतनी अच्छी कर चुकी हैं एंड ऑब्वियसली उनकी जो ऑडियंस है वो ये फिल्म देखने भी आएंगी। कॉन्स एज सच आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी एट द मोमेंट, बट
इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर दो सक्सेसफुल पार्ट्स बन चुके हैं, आई थिंक द थर्ड वन ऑलवेज लुक्स बेटर. थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट. लेकिन वी होप टू सी यू इन लॉट्स ऑफ प्रमोशंस, टीवी शोज हों चाहे रेड कार्पेट्स हों अवार्ड फंक्शंस हों. मैं कल अब काफ़ी आएंगे तो शायद आप लोग हम दिखाई देंगे हमें. जरूर, हम तो दिखाई देंगे आपको. बिल्कुल ऑफकोर्स ना, अगर आप होगे तो दिखाई दोगे. ओके.